हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के एक ट्वीट से राजनीतिक हलकों में घमासान मचा हुआ है। अशोक खेमका के एक ट्वीट के समर्थन में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज उतर आए हैं। अशोक खेमका ने वाड्रा लैंड डील में संलिप्त हरियाणा के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खंडेलवाल की रेरा में शीर्ष पद पर नियुक्त पर ट्वीट किया था। इस ट्वीट में खेमका ने इशारों ही इशारों में अधिकारियों समेत सरकार को भी घेरने का प्रयास किया है। इस बारे में जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज से सवाल पूछा गया तो वो खेमका के समर्थन में नजर आए। देखिए, अगर उनका अभिप्राय रेरा से है तो इसकी एक सर्च कमेटी बनी थी और सर्च कमेटी ने दो दो नाम सुझाए थे। मुख्यमंत्री जी को उन दो दो नामों में से ही एक एक नाम को सिलेक्ट करना था, तो ये तो सर्च कमेटी ने नाम सुझाए हैं उनमें से बनाया। रियल एस्टेट रेगुलेटर में आईएएस अधिकारी की नियुक्ति पर अशोक खेमका द्वारा सोशल मीडिया पर फोड़े गए ट्विटर बम पर बोलते हुए विज ने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी की विवाद में संलिप्तता थी तो सर्च कमेटी को उसका नाम क्लियर नहीं करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, जो किसी उसमें हो तो सर्च कमेटी को इनका नाम क्लियर नहीं करना चाहिए। खेमका के ट्वीट का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन फिलहाल इस पर सरकार के अंदर और बाहर भी खींचतान हो सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।